हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वरूपगंज पुलिस ने 1.5 करोड़ से अधिक की शराब की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। अवैध शराब को लेकर पहले दिन आबकारी व दूसरे दिन स्वरूपगंज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। स्थानीय थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1.5 करोड़ की अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पूर्व रविवार को आबकारी विभाग के 5 जिलों के अधिकारियों ने भी अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 2 करोड़ से अधिक की शराब बरामद की थी। पुलिस के अनुसार जिले के स्वरूपगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा। पुलिस ने कंटेनर से 1.5 करोड़ की शराब बरामद की है। वहीं मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार स्वरूपगंज थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक कंटेनर में शराब भरकर हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही है, जिस पर SP हेमंत अभिलाष टाक के निर्देश पर स्वरूपगंज थाना अधिकारी छगनलाल डांगी के नेतृत्व में धनारी के समीप नाकेबंदी की गई। इस दौरान एक कंटेनर आता देख उसे रुकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कंटेनर वापस मोड़कर जाने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। मौके से 1,705 पेटी अवैध शराब की पकड़ी गई, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। वहीं मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं रविवार को अवैध शराब पर आबकारी की बड़ी कार्रवाई और सोमवार को स्वरूपगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिरोही जिले से होते हुए गुजरात शराब तस्करी कर ले जाई जाती है। एक दिन पूर्व आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ी थी 1.5 करोड़ की शराब। स्वरूपगंज पुलिस द्वारा सोमवार को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से एक दिन पूर्व ही रविवार को आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी कर गुजरात ले जाने वाली शराब की बड़ी खेप बरामद की है। आबकारी विभाग ने मौके पर 2 करोड़ से अधिक की शराब बरामद की है। वहीं 11 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में लंबे समय से शराब तस्करी कर गुजरात ले जाने की शिकायत आ रही थी, जिस पर राज्य के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के गोदाम से बड़ी खेप बरामद की। ये शराब हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्य की थी। छोटी गाड़ियों के जरिए गुजरात ले जाई जाती है। ये कार्रवाई सिरोही के नेशनल हाईवे पर भुजेला के समीप एक खेत पर की गई। मौके से 6 ट्रक और 9 कारों सहित कुल 12 वाहनों को जब्त किया गया है। ये 5 जिलों के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। अवैध शराब के साथ पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। स्वरूपगंज पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ की शराब बरामद की। पुलिस ने अवैध शराब के साथ बाड़मेर की चौटन निवासी विक्रम सिंह पुत्र दलपत सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कार्रवाई के दौरान टीम में ये रहे शामिल। सिरोही जिले के स्वरूपगंज पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की करीब 1,705 पेटियां जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान टीम में स्वरूपगंज थाना अधिकारी छगनलाल, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह, कांस्टेबल रामलाल व मोर मुकुट सिंह शामिल रहे। जागरूक टीवी की स्वरूपगंज से जिग्नेश अग्रवाल की रिपोर्ट।